सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी आईटी रिफंड। हां जी दोस्तों, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से आपको जीएसटी में रिफंड की कैलकुलेशन करनी है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ इसको समझने के लिए वीडियो के एंड तक। एज लोट टू डू, एज लोट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगन वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। सो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले सर्विस में जाएंगे, रिफंड में जाएंगे, देन यहाँ से आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ठीक, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड क्लेम करने वाला हूँ। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, जैसे 17-18 ले लिया, 17-18 से अक्टूबर से जब से रजिस्ट्रेशन है अक्टूबर से मार्च तक का ले लिया 17-18। ठीक, फिर क्रिएट पे क्लिक किया, उसके बाद नो पे क्लिक करना है। यस करेंगे तो नील वाली रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, देख सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पहले बोलता है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे वो टर्नओवर लिखनी होती है, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, फिर एडजस्टेड टर्नओवर, फिर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और फिर उसके बाद मैक्सिमम रिफंड आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर निकलता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम इसके सेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, इसके प्रोविजन के बारे में समझ लेते हैं, जीएसटी के अंदर इसका क्या प्रोविजन है। एज पर सीजीएसटी रूल 89 क्लोज 5। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे ये बात करता है 89 का क्लोज 5 इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन के बारे में। देख सकते हैं इसका क्लोज 5, इन द केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ग्रांट एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो दोस्तों, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो ये फॉलोइंग फॉर्मूला बताया गया है, इसके हिसाब से आपका रिफंड ग्रांट होगा। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, कितना आप मैक्सिमम रिफंड अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दोस्तों, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया जो भी आपकी सेल है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब जब आपका इनपुट का रेट हायर होता है आउटपुट के रेट से, तो वो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहलाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये डिटेल में बता दिया है, तो इसको समझने के लिए आप मेरी उस पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है नेट आईटीसी से। ठीक, नेट आईटीसी का मतलब हो गया कि उस रिलेवेंट पीरियड के अंदर जितना आपके पास आईटीसी अवेल है, ठीक है दोस्तों, या आपने आईटीसी अवेल किया है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं नेट आईटीसी का मतलब है शैल मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑन इनपुट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अदर देन इनपुट क्रेडिट अवेल फॉर विच रिफंड इज क्लेम अंडर सब रूल 4A और 4B फॉर बोथ। तो दोस्तों, यहाँ पे उस आईटीसी को छोड़ के जिस आईटीसी को आपने अवेल कर लिया और रिफंड उसका क्लेम कर लिया है 4A एंड 4B के अंदर। 4A बोलता है बेसिकली जब गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि आप इन सब चीज़ों का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उसको छोड़ के, और 4B जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर रिफंड क्लेम कर लेते हैं तो उन आईटीसी का छोड़ के। ठीक है, डिवाइड करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब हो गया, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, इसका रूल 89 का क्लोज 4 एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के बारे में बात करता है। इसका सब क्लोज ई देख सकते हैं यहाँ पे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब हो गया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मींस सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। सो दोस्तों, यहाँ पे बोलता है कि टर्नओवर इन स्टेट मतलब कि टोटल टैक्सेबल टर्नओवर एक स्टेट के अंदर आपकी कितनी है या यूनियन टेरिटरी के अंदर कितनी है, एज डिफाइंड अंडर क्लोज 112 ऑफ सेक्शन 2 एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। सो दोस्तों, यहाँ पे इस टर्नओवर के अंदर जो सर्विसेज की टर्नओवर है उसको नहीं माना जाएगा, उसको नहीं जोड़ा जाएगा, और जीरो रेटेड सप्लाई की जो आपकी सर्विसेज की टर्नओवर है उसको भी नहीं माना जाएगा, और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की टर्नओवर है उसको भी नहीं माना जाएगा। इट मींस दोस्तों, जो आपकी सेल्स ऑफ गुड्स की टर्नओवर है उसी को यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को काउंट किया जाएगा, सर्विसेज को इसके अंदर नहीं काउंट किया जाएगा और एग्जेम्प्टेड सप्लाई को काउंट नहीं किया जाएगा। और जो दोस्तों आपने 4A एंड 4B के अंदर जिसका रिफंड क्लेम कर लिया है उसका भी यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया रूल, सब रूल 4A एंड 4B क्या होता है, जब नोटिफाइड करती है गवर्नमेंट किसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं तो उसके अंदर जो आपने टर्नओवर काउंट कर लिया है वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में, या फिर जो आपकी जीरो रेटेड वाली सप्लाई है उसको यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे।
ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या काम किया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर लिया और माइनस कर दिया टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जितना हमारा इस इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पेबल बना वो माइनस कर दिया, टोटल मैक्सिमम रिफंड निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक एक्सेल शीट भी लेके आया हूँ, किस तरह से रिफंड को कैलकुलेट करेंगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सेल शीट कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी रिफंड। यहाँ से टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 तक का मैं क्लेम कर रहा हूँ, यानी सेकंड क्वार्टर हो गया 17-18 का। ये आ गया फॉर्म का नाम, जीएसटी नंबर। अब यहाँ से हम बात करते हैं इन्वर्ट सप्लाई मीन्स जो आपकी परचेज है वो लिखना होगा। जैसे 1000 रुपये की परचेज मान के चलते हैं, मेरी 1000 रुपये की परचेज है और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मुझे क्लेम मिला ITC जो मैंने अवेल किया है 100 रुपये किया है 1000 रुपये के ऊपर, 100 रुपये किया है 1000 रुपये के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कैपिटल गुड्स भी है, इसमें मेरा 100 रुपये का कैपिटल गुड्स है जिसके ऊपर मैंने 10 रुपये CGST 10 रुपये SGST अवेल किया है। और इनपुट सर्विस भी है, इनपुट सर्विस मैंने लिया है इसके ऊपर 50 रुपये इनपुट सर्विस है इन्वर्ट सप्लाई के अंदर, और इसके ऊपर 5 रुपये और 5 रुपये CGST एंड 5 रुपये SGST क्लेम है। ठीक है, नेट इन्वर्ट सप्लाई मेरी ये निकल जाएगी क्योंकि मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो के अंदर जो हमारी इनपुट होती है, इनपुट के अंदर हम कैपिटल गुड्स के इनपुट को काउंट नहीं करेंगे और जो सर्विसेज के इनपुट है उसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे टोटल सप्लाई में से कैपिटल गुड्स की सप्लाई को लेस कर दिया और इनपुट सर्विस की सप्लाई को लेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो आपकी परचेज है सर्विस वाली और कैपिटल गुड्स वाली वो लेस हो जाएगी, नेट ITC आपका ये निकलेगा इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम आ जाते हैं आउटवर्ड सप्लाई, जो मेरी सेल है यहाँ पे वो ले लेते हैं। गुड्स की जो मेरी सेल है यहाँ पे वो है यहाँ पे 300 रुपये की, ठीक, जिसके ऊपर 30 रुपये CGST एंड 30 रुपये SGST की लाइबिलिटी बनी। ठीक, और यहाँ पे जो सर्विसेज की सेल है मेरी 100 रुपये की है, 10 रुपये CGST एंड 10 रुपये SGST की लाइबिलिटी बनी थी। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सेल है मेरी, मान लीजिए सपोज दैट 50 रुपये की, ठीक, इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनी नहीं। और नोटिफाइड जो गवर्नमेंट ने अदर्स जो सेल है एग्जेम्प्टेड के अलावा अदर सेल जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करी है 10 रुपये की है, जिसके ऊपर मेरा 1 रुपये CGST एंड 1 रुपये SGST बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट A1 है जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। देख सकते हैं इस स्टेटमेंट A1 के अंदर, जैसे कि पहले में भरना होता है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टर रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इस एक्सेल शीट के थ्रू आपकी निकल जाएगी टर्नओवर ऑफ इन्वर्टर रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 340 रुपये कैसे उठ गया है बता देता हूँ। आपकी सेल थी गुड्स की मेरी ये, सर्विसेज की सेल है 100 रुपये की, 300 और 100 400 रुपये हो गई, 50 रुपये एग्जेम्प्टेड है और 10 रुपये यहाँ पे अदर सप्लाई है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करी है, तो ये 60 रुपये माइनस हो गए 400 में, तो 340 रुपये की इन्वर्टेड रेट सप्लाई वाली टर्नओवर आ गई। ठीक है, इसमें यहाँ पे सर्विस काउंट होगा लेकिन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर सर्विस काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टर रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके ऊपर मेरा टैक्स पेबल कितना बन गया ये देख सकते हैं, ये टोटल बन गया 78, ये यहाँ से इसने टोटल करके ले लिया। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की बात करूँ मैं तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं ये अपनी है गुड्स की टर्नओवर, इसमें से एग्जेम्प्टेड वाली माइनस हो गई और गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड किया वो माइनस हो गई, और ये है सर्विसेज की टर्नओवर। तो जो नेट टर्नओवर है उसमें से सर्विसेज की टर्नओवर को लेस कर दिया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे देख सकते हैं नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास कितना है, तो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने अवेल किया है वो ये है यहाँ पे 170 का, ये यहाँ से इसने टोटल उठा लिया। अब मैक्सिमम रिफंड मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस रिफंड के जरिए, इस रिफंड शीट के जरिए आप अपनी रिफंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसकी यहाँ पे ये सारी डिटेल भर सकते हैं। देख सकते हैं ये डिटेल आपको यहाँ पे जो डिटेल भरनी होगी सारी टेबल वाइज मैंने यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग बना दी है, तो इसका यूज़ करते हुए आप इसको ईजिली भर सकते हैं। स्टेटमेंट A1 को मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया किस तरह से आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। ठीक है दोस्तों, आपकी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके। दोस्तों ये थी एक बहुत अच्छी वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।